चोरी साहब, मैंने पता किया है, अरबी टोन में तीन घर रहे हैं जिनको राशन की जरूरत है। बस ठीक है, चार डब्बे पड़े हुए हैं, इनमें से तीन डब्बे आके आप ले जाओ। एक डब्बा मुझे चाहिए, वो मैंने फरूक मिस्त्री के घर भेजना है। अच्छा, और भी घरों का पता करूं जिनको राशन की जरूरत है अगर आप कहें तो? ओ नहीं नहीं भाई, खत्म हो गया राशन के डब्बे, ये तीन ही पड़े हुए हैं, आके ले जाओ। जी चलें, ठीक है, मैं थोड़ी देर तक आता हूँ और आकर राशन के डब्बे ले जाता हूँ। चलो शुक्र है, राशन के डब्बे तो पूरे हुए, अब इनमें से तीन डब्बे अली लेने आ रहा है। जी साहब, अब इनमें से ये एक डब्बा बच गया है। वो कहाँ बच गया भाई, एक डब्बा, इनमें से एक डब्बा उठा और अली इलेक्ट्रिशियन के घर दे के आ, मैंने कल शाम को से बोला हुआ है। अच्छा साहब, तो अब क्या खत्म हो गए राशन के डब्बे? हाँ हाँ, 25 डब्बे बनवाए थे, पता भी नहीं चला कब निकल गए। चलो शुक्र है, जरूरतमंदों तक तो पहुंच गए। अब इनमें से एक डब्बा उठा और जा भी सही। ये ले राशन, चौधरी साहब ने भिजवाया है तेरे लिए। हाँ हाँ, कल बताया था उन्होंने मुझे। वैसे तू बड़ा किस्मत वाला है। किस्मत वाला और मैं, वो कैसे? तू इतने अच्छे मालिक के घर काम करता है, तेरा तो खूब ख्याल रखते होंगे। ख्याल? हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं। क्या किस्मत वाला, ये सोच रहा है कि चौधरी साहब के घर मुलाजिम हूं तो इसके तो मजे होंगे। अब इसको कैसे बताऊं कि साहब ने दुनिया भर में राशन बांट के ख़त्म भी कर दिया, लेकिन मेरा ना सोचा, जबकि असल हकदार तो उनके घर का मुलाजम भी है। अब मैं घर किस मुंह से जाऊंगा? राशन दे देंगे ना साहब? हाँ हाँ बेटे, जरूर दे देंगे। बहुत सारे डब्बे बनवा रखे हैं इस बार तो उन्होंने। अब बनवा तो रखे हैं राशन और बांट भी रहे हैं राशन, और आपने उनसे मांगा नहीं क्या? नहीं नहीं बेटा, मैंने नहीं मांगा, मैंने खुद ही नहीं मांगा। हो सकता है वो एक की बजाय मुझे दो दे दे। चलो जाके देखते हैं क्या बनता है फिर। अब आज हमें राशन मिल गया तो हम पेट भर के खाएंगे इंशाल्लाह बेटे। जी साहब, अब इनमें से ये एक डब्बा बच गया है। वो कहाँ बच गया भाई, एक डब्बा, इनमें से एक डब्बा उठा और अली इलेक्ट्रिशियन के घर दे के आ, मैंने कल शाम को से बोला हुआ है। अच्छा साहब, तो अब क्या खत्म हो गए राशन के डब्बे? हाँ हाँ, 25 डब्बे बनवाए थे, पता भी नहीं चला कब निकल गए। चलो शुक्र है, जरूरतमंदों तक तो पहुंच गए। चोरी साहब तो कह रहे थे तीन राशन के डब्बे और यहाँ तो दो पड़े हुए। चोरी साहब, आपने तो कहा था तीन राशन के डब्बे हैं, यहाँ दो पड़े हुए हैं। दो राशन के डब्बे? ये कैसे हो सकता है, मैं तो इधर तीन छोड़ के गया था, ये दो हैं। रुको, मैं पूछता हूँ मुझसे। जी साहब। ओ मोइन, कितने डब्बे थे बकाया? साहब तीन पड़े थे। लेकिन अब तो दो पड़े हुए हैं, तीन तो नहीं पड़े हुए। लेकिन मैं तो आपके सामने एक ही उठा के निकला था और तीन बचे पड़े थे। हाँ पड़े तो तीन ही हुए थे तेरे जाने के बाद। चल मैं देखता हूँ। क्या हुआ चोरी साहब, किधर गया तीसरा डब्बा? मुझे लगता है कोई मांगने वाला आया होगा, वो ही हाथ दिखा के चला गया होगा, क्योंकि गेट तो खुला हुआ था। अब तो ये दो ही बचे हुए हैं। चले कोई बात नहीं चोरी साहब, मैं ये दो ही ले जाता हूँ। ओ यार, ये तीसरा डब्बा गया तो गया कहाँ? ओह मैं अभी कितना पागल हूँ, घर में सीसीटीवी लगे हुए हैं, उनसे देखता हूँ। अच्छा ये तो मोइन है, ये लेके गया है तीसरा डब्बा। मेरे सामने बड़ा मासूम बार रहा था, इसके घर जाके मैं इसका पता करता हूँ। अल्लाह हू अकबर, अल्लाह
साहब आप क्या है ये? शर्म नहीं आती तुझे? चोर कहीं के? पता नहीं आज तक तूने क्या क्या मेरे घर से चोरी किया होगा। ये तो शुक्र आज मैंने कैमरे की रिकॉर्डिंग देख ली है और तेरी असलियत मेरे सामने आ गई। अरे नहीं नहीं साहब, आप मुझ पे इल्जाम ना लगाएं। अल्लाह जानता है मैंने आज तक आपके घर से कभी कुछ नहीं उठाया। ये भी सिर्फ उठाया और आपकी वजह से उठाया है। मेरी वजह से? ये क्या बकवास कर रहा है तू? साहब इतने सारे राशन के डब्बे आपने लोगों में तकसीम कर लिए, लेकिन ये आपने एक बार नहीं सोचा कि मेरे घर में भी गरीब मुलाजिम है। साहब मेरे भी तो बच्चे हैं, मैं भी तो राशन का हकदार था, मेरे भी बच्चे भूखे सोते हैं। बच्चे भूखे? जी जी साहब बच्चे भूखे। मेरे सामने तो आप पूरी दुनिया में राशन बांटते रहे, लेकिन आपने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि मोइन तुझे भी जरूरत है तो तू भी ले जा। साहब मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे भी राशन की जरूरत है। बिल्कुल ठीक कहा तूने, मुझे सबसे पहले तेरा ही एहसास करना चाहिए था। जी साहब ये बात तो मैं भूल ही गया था। हाँ यार मोइन तू मुझे माफ कर दे, मैं आइंदा ख्याल रखूंगा। महीना शुरू होते ही मैं तुझे राशन दे लिया करूंगा ताकि तेरे बच्चे भूखे ना सोए। जी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। ओए नहीं नहीं मोइन, शुक्रिया मुझे तेरा करना चाहिए कि तूने मुझे ऐसी बात का एहसास दिलाया। देखा आपने, कभी भी ज़कात या सदका देने से पहले अपने घर के मुलाज़मीन को ज़रूर तरजीह दें, क्योंकि असल हकदार तो यही लोग हैं। इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हो सकता है आपके शेयर से किसी की इस्लाह हो जाए।